नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है पारमेष्टि ज्ञान चरण में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ये शुभ साइन है तो आप जीवन में अवश्य सरकार से मान और सम्मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाएं देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है, हमारी घटना के बारे में बताती है। जो भी संकेत होता है वो हमारे जीवन रेखा के ऊपर अंकित हो जाता है। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितनी गहराइयों में जाते हैं, कितने विचारों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे इमोशनल प्यार के बारे में व्यक्त करती है कि आपका जो प्यार है वो कितना गहरा है उसके बारे में बताती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है सरकार से मान सम्मान कौन सा चिन्ह है वो। सबसे पहले ये हमारा चंद्र का पर्वत है, इसको हम चंद्र का पर्वत बोलते हैं। चंद्र का पर्वत हमारे कलाओं के बारे में बताता है, हमारे मन के बारे में बताता है, कितना हम खुश है उसके बारे में बताता है, कितना हम दुख है उसके बारे में बताता है। कभी कोई चीज हमें सुंदर लगती है तो हमारा मन कितना खुश है उस चीज की कैलकुलेशन कर लेता है। जैसे आज हमारा मन क्या कह रहा है, कल को क्या कहेगा, ये समझ के परे है। उसी प्रकार हमारे इस चंद्र पर्वत के क्षेत्र पर कुछ ऐसे सिंबल है, कुछ ऐसे चिन्ह है जो आपके एक एक मन के बारे में व्यक्त करता है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक वर्गाकार। वर्गाकार क्या है, आपके मन के बारे में बताता है कि आप कितने सच्चे हैं, कितनी आपकी भावुकता है और कितने आप एक सच्चे गति से काम कर रहे हैं। अगर यहां पर आपके ये वर्गाकार बनता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, झूठ से नफरत करते हैं। जो भी एक्टिविटी उनकी होती है वो सच की तरफ लेके जाते हैं, सच करके करो, ये काफी खुश होते हैं। लेकिन अगर इनके सामने कोई बुरा थोड़ा सा भी बोलता है तो उनका मन परेशान होता है, क्योंकि ये चंद्रमा के क्षेत्र पे है। ऐसे लोग गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते, सच का सामना करना जानते हैं। इसी के साथ एक शुभ साइन हो रहा है, जैसे कि यहां पर क्रोस का साइन। क्रोस का साइन मन को डराता है, घबराता है कि आज मैं कहां पर हूं, किस स्थिति में हूं, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। उनको जीवन से बड़ा डर लगता है। चंद्रमा के क्षेत्र पे क्रोस मन को डराता है कि मुझे आज कहां पर हूं, कल मैं गिर नहीं जाऊंगा, कल को मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। ये नेगेटिविटी आती रहती है। अगर आपके मून के क्षेत्र पे ये साइन है तो आपके मन को घबराएगा, डराएगा। लेकिन मन को मजबूत करने के लिए एक अटल निश्चय करना पड़ेगा आपको। ये साइने तो एक रंग रूप का मंच का काम करती हैं, लेकिन मन की प्रबलता बनाने के लिए आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा। उसके बारे में जो हमारी कला होती है चंद्रमा की वो बताता है। लेकिन ये जो आपके सिंबल है इस चीज के बारे में तो ही आपको दर्शाएंगे। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं। यहां पर त्रिकोण, त्रिकोण यहां पर काफी शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण का साइन है तो ये आपको विदेशों से आवागमन के बारे में बताता है। आप अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बताता है।
मतलब यहां पर चंद्रमा के क्षेत्र पे धन अर्जित के बारे में बताता है, लेकिन विदेशों से। चंद्रमा क्या है, मन क्या है, वो गहराइयों में जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरे देश से आप पैसा अवश्य कमाएंगे, उसके बारे में संकेत देता है। क्योंकि ये जो हमारा त्रिकोण है, त्रिकोण मान सम्मान का कारक है। मन तभी आपका खुश होगा जब आपके पास सारी चीजें सुख समृद्धि होगी, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। मन तभी आपका पसंद होगा जब आपके पास सब कुछ आपका अपना होगा। इसी के साथ एक शुभ साइन और देखते हैं, जैसे कि सरकार से मान सम्मान दिलाता है, ये साइन बनता है, इसको हम बोलते हैं स्टार। स्टार काफी शुभ साइन होता है, कहीं भी होता है, ये पर्वतों के शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके चंद्रमा के क्षेत्र पे है तो आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति को बढ़ाता है, इच्छा को जगाता है, क्योंकि एक एम्पलीफाई का काम करता है। ऐसे लोग कभी भी किसी भी अपने जीवन के पड़ाव में अवश्य सरकार से मान सम्मान प्राप्त करते हैं, वो किसी भी एज में हो। इसकी सरकार से ये मान सम्मान दिलाएगा। और स्टार का मतलब होता है इंसान के अंदर जो एनर्जी होगी, या कोई ऐसे काम करेगा अपने मन से, अपने विचार से, कि सरकार से उसको बेनिफिट, मान सम्मान प्राप्त ही होता है। एक शुभ साइन और देखते हैं, यहां पर ये फिश का साइन है। फिश का साइन यहाँ पे मून के क्षेत्र पे, ये हमारे चंद्रमा का जो क्षेत्र है, ये यात्रा के बारे में बताता है कि आपकी जो यात्रा होगी एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश के बारे में बताती है। मछली है, कहते हैं ना, मछली जल की रानी है। ये मन हमारा चंचल, ये टिकता नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ भागता है। मन को खुश करने के लिए, अपने मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा को जगाने के लिए, अपने मन को शांति के लिए, ये जैसे जल का प्रतीक मछली मानी जाती है, वैसे हमारा मन जो है, चंद्रमा जो है, हमारा मन से कनेक्टिविटी है, वैसे तभी हम खुश होंगे। और ये मछली का जो सिंबल यहाँ पे बनता है, ये एक शहर से दूसरे शहर के आवागमन के बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।